सहित पूरे राज्य के पेट्रोल पंप मंगलवार को बंद रहे। झारखंड पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य के पेट्रोल पंप बंद करने की घोषणा की गई है। ये वैट में टैक्स कम करने और पेट्रोल पंपों पर सरकारी बकाए का भुगतान करने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। रांची के पेट्रोल पंप का इसी दौरान जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी कुमार ने। रांची में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और यहां नोटिस भी चिपकाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 21 दिसंबर पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो ऐसे में तमाम पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि कल की परेशानी नहीं हो। क्या है कि जिस तरह से कल जो बंद है, राज्य सरकार से ये मांग की गई है कि वैट का दर जो है का जो प्रतिशत है वो कम किया जाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन और पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है कि अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ वैट कम किया गया है, जिसके कारण लोग वहाँ से, झारखंड के लोग दूसरे स्टेट से तेल भरवा रहे हैं और जिससे इनका बिक्री पर असर पड़ा है। सर ये बताइए, सर कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, क्या परेशानी तो हो ही सकती है। जो रोज का दारमदार है वो तो पेट्रोल गाड़ी चलने पे ही टिका हुआ है, ये खोलना भी उससे दिक्कत हो सकती है। असल में दिल्ली से हूँ, अभी रिसेंटली दिल्ली में कम किया है वैट, तो उससे फर्क तो पड़ा है। आम आदमी खुश है दिल्ली में। 20 दिसंबर नो परचेज नो सेल, तो जो लोग जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं तो वो यही चाह रहे हैं कि आज का दिन अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा लें, डीजल भरा लें, ताकि कल का दिन जो है पेट्रोल पंपों में सन्नाटा रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।